आज फिर हम आपको एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं और हमेशा बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, और अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और लाइक भी कर देना, और पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बच्चों देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहले आपको बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना यहाँ क्वेश्चन पे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ देखो, इस पैराग्राफ को आप रीड करते हो तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है दो टर्म। देखो बच्चों यहाँ एक रोस्टिंग टर्म आता है, ठीक है, दूसरा एक टर्म है बच्चों यहाँ देखोगे कैल्सिनेशन। ये डिफिनेशन हमेशा पूछता है, ठीक है। तो बच्चों एक्सप्लेन करें और क्वेश्चन है इसमें, और आप क्वेश्चन बैंक यदि परचेज किए हो तो हमेशा देखोगे पूछता है। और बच्चों कोई डाउट है तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। तो देखो द मेटल इन द मिडिल ऑफ एक्टिव सीरीज का जो मिडिल में होता है, जैसे आयरन, जिंक, लीड, ये सब, कॉपर, और मॉडरेट रिएक्टिव, कम रिएक्टिव होता है। एंड दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन सल्फाइड ओर एंड कार्बोनेट ओर में रहता है, अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको क्या करते हैं बच्चों कि इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, ये सल्फाइड और कार्बोनेट को। देयरफॉर आफ्टर दैट वी रिडक्शन द मेटल, तब मेटल का रिडक्शन किया जाता है, ठीक है, कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड। तो दोनों को आपको याद रखना है कि कन्वर्ट किया जाता है मेटल ऑक्साइड्स में, ठीक है, सल्फाइड और कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली, ठीक है। सल्फाइड और को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, स्ट्रांगली हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। जैसे आप कोई चीज़ को आग में हम लोग जलाते हैं ना ओपनली, जैसे आप रोस्टेड मीट खाते हैं तो ओपनली आप देखते हैं कि बच्चों आग में ओपन में जलाया जाता है, तो वैसे इसको क्या करते हैं सल्फाइड और को हीट किया जाता है, स्ट्रांगली हीट ओपन एयर में, काफ़ी ज़्यादा एयर, तो उसको रोस्टिंग बोलते हैं। और नेक्स्ट है बच्चों देखोगे जो कार्बोनेट और होता है बच्चों, कार्बोनेट और आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर, दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। जब हम लोग लिमिटेड एयर में कार्बोनेट और को हीट करते हैं तो कैल्सिनेशन होता है। तो बच्चों यहाँ याद रखना कार्बोनेट के साथ संबंध है आपका किसका, कैल्सिलेशन का, और कम ऑक्सीजन का ही, ठीक है। रोस्टिंग का आपका संबंध है सल्फाइड और का रोस्टिंग के साथ, स्ट्रांगली हीट, सफिशियंट ऑक्सीजन। अब बच्चों यहाँ देखो आगे जो क्वेश्चन पूछता है बच्चों, यहाँ आपको ये रिएक्शन हमेशा पूछता है, ठीक है। तो देखो जिंक और आर ट्रूबे सॉल्व, तो ये रिएक्शन हमेशा याद रखना बच्चों, ठीक है। देखो जो रिएक्शन है यहाँ पर, जैसे रोस्टिंग का एग्जाम्पल हो गया तो आपको एग्जाम्पल भी पूछता है, ये जिंक सल्फाइड है तो इसमें रोस्टिंग लगाते हैं, हीट करते हैं, तो देखिए जिंक ऑक्साइड बना, ठीक है, जिंक कार्बोनेट है तो उसको हीट करते हैं इनसफिशियंट ऑफ ऑक्सीजन। आप देखो क्या डिफरेंस है, यहाँ देखिए जो सल्फाइड उसमें ऑक्सीजन प्लस में दिखाया गया, मैंने सफिशियंट ऑक्सीजन में, ये देखिए कार्बोनेट हो रहा है जिंक कार्बोनेट, यहाँ ऑक्सीजन प्लस में नहीं दिखाया गया, इसमें देखिए जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है बच्चों, याद रखना है, इक्वेशन आपको लिखने आएगा। इसके बाद देखो बच्चों क्या है, अब जैसे बन गया हम लोग को ये जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट करके हम लोग जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ रिलीज होता है। बच्चों कोई डाउट है ज़रूर लिखना, और बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। कार्बन कंपाउंड चैप्टर का पूरा है, उसका वीडियो का हम लिंक आपको इसमें दे रहे हैं, डाउट है तो वहाँ से आप जाके इसको देख लेना। थैंक यू।